निर्गमन अध्याय 15 निर्गमन अध्याय 15 तब मूसा और इसराइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढाप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शक्ति से महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे की नाई भस्म हो जाते हैं और तेरे नखनों की सांस से जल एकत्र हो गया। धाराएं ढेर की नाई थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढाप लिया। वे महाजल राशि से शीशे की नाई डूब गए। हे यहोवा, देवताओं से तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, पलिश्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे, एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगा। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की नाई अबोल होंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाए, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाए, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इसराइली समुद्र के बीच स्थल स्थल पर होकर चले गए और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली और मरियम उनके साथ साथ यह टेक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आ गए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी
और यहोवा ने उन्हें एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए।